बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काजमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। बड़े अहम, आज का बड़ा अहम इंटरव्यू है। इसमें आप खबरें में पहले आपके सामने जल्दी से रखूं, फिर उनके सामने सवालात रखने। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन आया, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया। तहरीक इंसाफ ने दो पार्टियां क्या रजिस्टर्ड करवाई हैं, नए निशान पर लड़ेंगे। अब ये मामला हाई कोर्ट की तरफ जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो इस मामले से भाग जाएंगे। 13 जनवरी को मिलने थे ये, आपको पता है, इंतखाबी निशान। अभी इसमें वक्त पड़ा है, लीगल टीम ने अपना होमवर्क किया हुआ है। पिशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त का मामला भी चल रहा है और तरीके साहब के पास बहुत सी ऑप्शंस है। प्लान ए बी में इनके पास दो जमातें मजीद भी रजिस्टर्ड हुई हैं, शायद वो पूछेंगे इनसे। अभी मुशरफ साहब की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपको याद होगी आर्टिकल 202 सेक्शन 6 में जब उस वक्त उन्हें पार्टी को रोका गया, तो उसके बाद ये मामला किस तरह चला। खैबर पख्तूनख्वा में आपको ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आ रहा, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हो। पंजाब में सारे मामलात हो रहे हैं, वहां पेशावर हाई कोर्ट डट के खड़ी है, अदालतें भी आजाद हैं, लोग भी आजाद हैं। लंदन मुआहदे में जिस तरह आमिर फारूक साहब ने खान के कागजात 24 घंटे से पहले मुस्तरद किए, इसी तरह बल्ले के निशान के मामले भी इसी तरह ही है। इन्होंने सोचा 13 जनवरी से 12 की रात को करेंगे, लेकिन फंस के पेशावर हाई कोर्ट बीच में आ गई। शाह महमूद कुरैशी साहब भी रिहा हो गए, उनके ऊपर कोई दूसरा केस नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। साइफर केस पे फांसी और सजाए मौत का मामला तो बिलाशुबा साइड पे हो गया, लेकिन 2 साल का सजा का मामला अभी मौजूद है। ये शुएब साहब जाहिर है इस पे जवाब देंगे, इनसे पूछेंगे। अलीमा खान साहिबा की तरफ से जब खान के केस पर बरतानिया और अमरीका में डोनाल्ड लू पर केस का इरादा आया, तो उसके बाद फिर आर्मी चीफ का दौरा हुआ, फिर वापसी पर ये जमानत हुई, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हुई, लेकिन आज बल्ले का निशान छीन लिया गया। अब देखना यह, कुछ लोग कहते हैं शाह महमूद कुरैशी बाहर आए, तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम बड़ी कामयाब होगी, बड़ी पावर से चलेगी, और खान जब तक जेल से बाहर नहीं आते, जनवरी में मुमकिन है उनकी रिहाई मौजूद है। ये भी शुएब साहब के सामने रखेंगे। हसन नियाजी को भी इलेक्शन में इजाजत दी जा रही है। अली बाकर नजवी साहब ने कहा है कि अंडर ट्रायल मुलजिम इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है और कमांडिंग अफसर इन्हें इजाजत दे। और दूसरा, इस वक्त लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, नवाज शरीफ मानसेरा की तरफ से, हाफिज साद भावलनगर से, मरियम नवाज जो है वो अभी भाग गई है सनम जावेद से, और बिलावल सिंह से पंजाब की तरफ। बड़ा अजीब मामला, तहरीक इंसाफ के शेरफजल मरवत को नमूनिया हुआ और वो वजीराबाद का कन्वेंशन छोड़ के अभी बीमार है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन बल्ले बगैर आजाद उम्मीदवारों का मामला नहीं होगा, लेकिन दो जमातें जो रजिस्टर्ड हैं की उनके पास इंतखाबी निशान नया होगा। ये प्लान ए बी या सी, इन तमाम मामलात पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, उनके सामने सवालात रखते हैं, मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं। छोटी सी ब्रेक ले, डायरेक्ट सवालों पे आता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अभी सबसे पहले जो बल्ले का निशान आपसे छीन लिया गया, अब तहरीके इंसाफ के पास लाए अमल क्या है, क्योंकि यहाँ पर मालूमात मेरे पास तो यही है कि दो आपकी जमातें अभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, तो किसी नए इलेक्शन निशान पे लड़ेंगे या पेशावर हाईकोर्ट में जाएंगे, मामला कहाँ पे है? नहीं सर, हम फौरी तौर पर पेशावर हाईकोर्ट में जाएंगे। ये बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल फैसला है, गलत फैसला है, गैर आइनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लिहाज से सहूलतकारी कर रहा है उन सियासी बोनों की जो पब्लिक में, अवाम में और कॉम्पिटेटिव प्रोसेस में वो इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। आज सारे इदारे बांदी बन के एक सुपर लाडला शहनशाह करप्शन नवाज शरीफ के सामने खड़े हो गए, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। पिछले 76 साल में जो कुछ नहीं हुआ, ये आज जो कुछ होने जा रहा है, इसकी कभी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पिछले 2 दिन में आज तक कोई 200 के करीब मामलात रिपोर्ट्स हुए हैं जहां या तो वो नॉमिनेशन फॉर्म छीन लिए गए, या लोगों को अगवा कर लिया गया, या रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वहीं लोगों को गिरफ्तार करा लिया। रिटर्निंग अफसरों ने एक लिहाज से सहूलतकारी की है लोगों को अगवा करने और लोगों को गुम करने, लोगों के खिलाफ FIR काटने, और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने 3 MPO के खिलाफ भी लोगों को नज़रबंदी के आर्डर भी कर दिए हैं। और इस तरह के जो मामलात हैं उसके ऊपर बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि आज हम गए हैं उनके पास, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हमारे हक में फैसला दिया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ऑर्डर उनका नहीं आया। ये सब कुछ जाहिर करता है कि इलेक्शन कमीशन एक जो पहले दिन से, पिछले 1 साल 1.5 साल से हम उनका रवैया देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने जमहूरियत को डिरेल किया है, उन्होंने 90 डेज में जो इलेक्शन कराने थे वो नहीं कराए, और उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन लेने की बजाय पिछले 3 दिन से जो कुछ होता रहा है और उसके ऊपर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी अदा करने की बजाय हमारे खिलाफ एक नया आर्डर पास कर दिया, और ये 1.5 महीने के अंदर दूसरा आर्डर है। पहले हमें कहा कि जी ये आपका इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, उसके बाद उनकी जो दी हुई डायरेक्शन थी उसके मुताबिक हमने इलेक्शन कराए और उन इलेक्शन को भी कहा यह गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो ये बड़ी बदकिस्मती से है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि पूछा जस्टिस सतरमदल्ला ने कि आपने एक पार्टी के खिलाफ तो ये सब कुछ कर दिया, सिमिलरली अगर सारी पार्टियों ने इसी तरह इलेक्शन कराए और किसी को आपने पूछा ही नहीं, किसी को छेड़छाड़ नहीं किया, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों?
बिल्कुल ये सब अच्छा, कुछ नजर आ रहा है, ये सारा गलत है जी। अगर अभी यहाँ पिशावर हाई कोर्ट स्टे दे देती है, और पिशावर हाई कोर्ट का ये बड़ा अच्छा फैसला था कि उन्होंने मजबूर किया इन्हें कि आज फैसला दे, वरना इन्होंने तो शायद 12 जनवरी की रात को देना था ताकि आपके पास टाइम ना हो। अब अगर स्टे मिल जाता है आपको या पिशावर हाई कोर्ट इसे ओवर रूल कर देती है तो फिर ये मामला दोबारा आपके फेवर में आ जाएगा, इसी तरह मामला चलेंगे जी? मेरा ख्याल है कि अगर हमारे फेवर में ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस होगा, और हमें कभी यकीन है, क्योंकि अगर आप बाकी, अब आपको पता है एएनपी का तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, साल हो गए, और बाकी पार्टीज का एग्जैक्टली इसी तरह हुआ है जो कि जिस चेयरमैन हमारे इमरान खान साहब की सरबराही में जो चेयरमैन थे, और उस वक्त हुआ जब ये दूसरा इलेक्शन था, जो जो उन्होंने एतराजात किए थे उन सब एतराजात को हमने कवर अप करके कर लिया, और 40 सवालात जो हमें दिए गए, आप उनकी अगर लैंग्वेज को पढ़ें, उनको देखें, अगर इससे 1/3 सवाल भी अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कर लिए जाएं तो किसी का भी प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुआ। हमारा तो प्रॉपरली इलेक्शन हुआ है, उसमें किसी का कोई अभाव नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने चूंकि ये फैसला करना ही करना था, हम 10 दफा भी इलेक्शन करा लें, उन्होंने नहीं मानना तो नहीं मानना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानना था, सही बात है। वरना सर एक सादे पेपर पर नवाज शरीफ साहब लिख देते थे अनप्रपोज्ड लाइफ टाइम चेयरमैन, नीचे इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, तो वो सारा फैसला मान लेते थे कि यही सब लोग हैं, उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया, आसिफ जरदारी साहब का एक वसीयतनामा मान लिया, तो यहाँ पूरा इलेक्शन हुआ, 35 लाख वोटर थे, वो नहीं तस्लीम कर रहे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब सर इसका लाए अमल आपके पास दूसरा लाए अमल क्या है कि बिलफर्ज अगर ये अल्लाह ना करे फैसला आपकी फेवर में नहीं आता और बल्ले का निशान नहीं होता, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अगला लाइमल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमें हम 100% उम्मीद है और हम यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला बल्ले का निशान हमें मिलेगा। आप सबसे मकबूल पार्टी को आप साइडलाइन करके अगर आप ऐसा इलेक्शन कराएंगे, ना तो कोई दुनिया मानेगी, ना पाकिस्तानी मानेगी, ना आवाम मानेगी, ना इसको फिर आप इलेक्शन न कहें, जहाँ 80% 90% पॉपुलर पार्टी को आप उठा करके निकाल दें और बाकी आप इलेक्शन करा लें, तो फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? बिलियन ऑफ रुपीज किस लिए जाये कर रहे हैं? फिर क्या सियासत हम इस काम को खत्म करेंगे? क्या आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे? क्या आइन और कानून की बालादस्ती की बात करेंगे? क्या वो जमहूरियत होगी? वो जमहूरियत का सिर्फ तमाशा होगा, वो जमहूरियत तो नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा। अच्छा सर अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई आपको पता है, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं है, उनके आने से तहरीक इंसाफ को ताकत मिलेगी, लेकिन इसके साथ कुछ लोग आपको पता है ये भी एक थ्योरी बना रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्टी शायद ले जाए अपनी तरफ, और जिस तरह फारूक आरिफ अलवी साहब इस वक्त मौजूद है, इस तरह वो भी कोई वज़ीर आज़म बना के दोबारा सेटअप बन जाए, आपको लगता है इसमें कुछ जान है? नहीं देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब आज भी हमारे साथ खड़े हैं, आपको याद होगा कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने और मैंने की थी, और वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने यही कहा था हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब थे, हैं और रहेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी हम घर ही पहुंचे थे, वो अपने घर पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके कुछ दिनों बाद मेरे पे भी पाबंदियां लगा दी गई, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पिछले 1.5 महीने से मैं नहीं आ सकता, लेकिन बात यह है कि वो बिल्कुल लॉयल है पार्टी के साथ, वो पार्टी के लिए खड़े हैं, और आज भी देखें जिस तरह के वर्स्ट कंडीशन थी और जितना प्रेशर उन पर डाला गया, और कल उनको देखा, उनका, उनकी बेटी का, उनके बेटे के नॉमिनेशन फॉर्म छीन लिए गए, तो ये सारा कुछ शो करता है कि वो पार्टी के साथ लॉयल है, और वो सीनियर मोस्ट लीडर है इमरान खान के बाद। मैं समझता हूँ कि उनके आने से पार्टी को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, और स्पेशली पंजाब में जिस तरह के फासिस्ट हुकूमतें हरकतें कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि उससे भी हमें कुछ शाह महमूद कुरैशी के आने से बेनिफिट मिले। अच्छा अभी सर साइफर के मुतल्लिक केस में जो मामला है जिसमें 2 साल की सजा जज साहब ने जिक्र किया है, उसमें उम्र कैद और वो फांसी का मामला तो साइड पे हुआ, तो ये क्या 2 साल का मामला क्या है, जज साहब क्यों 2 साल पे इतना स्ट्रेस कर रहे थे? देखिए ये जमानत का केस था, ये मेन केस था ही नहीं, जमानत पे हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये केस तो बनता नहीं है ना बवाल। दूसरी बात यह है कि उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, अगर उसकी तफसील में जाएं, पहली बात तो यह है कि एक तो पॉलिटिकल बात तो यह है कि जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो आपने उसको मुजरिम बना दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है इसमें फॉरन इंटरफेरेंस थी, और ये भी डिक्लेयर कर चुकी है डिमार्श की आंखें जी बड़ी ज्यादा हुई है हमारे मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत हुई है, तो केस काहे का, तो अपने मुल्क को दिफा करना क्या जुर्म है? और दूसरी बात कि इस केस के कंटेंट्स ऑफ एफआईआर को 100% दुरुस्त भी मान लिया जाए इवन देन उसमें उसकी सजा है 2 इयर्स यानी काबिले जमानत जुर्म है। देखें अभी जो केस है इस वक्त सिर्फ ये हुआ है कि काबिले जमानत जुर्म की हद तक उन्होंने कहा है कि जी इसके अंदर चूंकि हम जमानत को देख रहे हैं तो इसके अंदर मुल्क के सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पे आप कहें जिसका फायदा किसी दूसरे दुश्मन मुल्क को या किसी मुल्क को फायदा पहुंचाना हो, जिसकी सजा सजाए मौत या 14 साल सजाए, तो लिहाजा ये जो दूसरा वाला है अगर कंटेंट्स ऑफ एफआईआर को दोस्त मान लें यानी कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को लीक किया है तो उसकी सजा भी 2 साल है जो काबिल जमानत है, तो काबिल जमानत का एज ए मैटर ऑफ राइट
कोई गिरफ्तार ही नहीं कर सकता, पुलिस वाला भी उसकी जमानत दे सकता है। इसमें जाति की है, जज अबुल हसरात दुलकर नैन ने जो उसकी जमानत खारिज की, फिर जस्टिस आमिर फारूक की जमानत खारिज की, 5 महीने लग गए उसमें जमानत लेने में, एक काबिले जमानत जो उनके अंदर। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं हमारे जजेस कितने कम्प्रोमाइज हैं, कितने वो इंडिपेंडेंट हैं, कितना वो कानून और आईन के मुताबिक चलते हैं, और किस तरह आईन और कानून का वो मजाक उड़ाते हैं और इंसाफ का जनाजा निकालते हैं। और ये है वो आज पोस्टमार्टम किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम फैसलों का और उस कानून का, जिसका मिसयूज करते हुए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए इमरान खान को जेल में रखा गया। मैं होपफुल हूं कि उस केस में अब कोई जान बाकी नहीं रही। बिल्कुल सही। अच्छा, 28 दिसंबर को तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट का केस है, उसमें भी आपको पता है बोगस केस है, सबको पता है पूरे पाकिस्तान को, उसमें भी जब ये केस उड़ जाएंगे तो खान साहब इंशाल्लाह जनवरी में बाहर आके कंपेन चला रहे होंगे। देखिए, मैं होपफुल हूं कि जनवरी में, ये दिसंबर में ही उनकी जमानतें हो जानी चाहिए। यही दो केस है। देखिए, तोशाखाना के 3 हिस्से कर दिए गए, जिस शख्स ने कानून के मुताबिक कोई तायफ लिए, उनको बेचा रखा, वो उनकी प्रॉपर्टी है, 3 मुकदमे बना लिए गए। सब ने लिए, जो गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर गाड़ियां ली जो वो नहीं ले सकते थे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, जिसमें यूसुफ जागिलानी है, जिसमें नवाज शरीफ है, जिसमें मरियम नवाज है, जिसमें आसिफ अली जरदारी है। वेयर एज इमरान खान के खिलाफ 3 मुकदमा बना दिए गए, एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल सजा दे दी जो कि पेंडिंग है, दूसरा केस उन्होंने पुलिस ने FIR काट दी उसी के ऊपर ही, तीसरा केस नैब ने ये कह दिया कि ये जो तोहफे थे अंडर वैल्यू थे, इवेल्युएशन कमेटी ने गलत किया। भाई, इवेल्युएशन कमेटी को ना किसी को शो कॉज नोटिस किया, ना किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, वो अगर मुजरिम नहीं है जिनकी ये जिम्मेदारी थी, तो अंडर वैल्यू करना क्या इमरान खान का काम था? ये सारा फ्रॉड केस है, इसकी कोई हैसियत नहीं। अलकादर ट्रस्ट में वो कहते थे कि बड़ा लॉस कर दिया, वो पैसे तो सरकार को वापस चले गए, फिर लॉस क्या हुआ, मुकदमा काहे का है, क्या उन्होंने अपनी जेब में पैसे रखे थे? तो ये सारी चीजें जाहिर करती है इनमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें अफसोस ये है कि हमें इन लोअर जुडिशरी के जजेस पे ट्रस्ट नहीं है, वो कंप्रोमाइज है, वो दबाव में आ जाते हैं। पाकिस्तान का साबिक चीफ जस्टिस अगर आके ये कहे मीडिया में बैठ के कि हमारे ऊपर ज़िया उल हक़ का प्रेशर था इसलिए हमने भुट्टो को फांसी दे दी, तो क्या ये लोअर जुडिशरी के जजेस क्या वो आजाद होंगे, क्या वो इंडिपेंडेंट होंगे, क्या वो कानून के पासदारी करेंगे, क्या वो जमीन के मुताबिक फैसले करेंगे? हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है, अगर कानून के मुताबिक चले, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये काबिले जमानत है, तो मुझे बताएं 5 महीने जिस केस में रखा गया उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो 5 महीने कौन लौटाएगा वापस इमरान खान को? तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस ऑर्डर में लिखा है अपने वाले, उन्होंने कहा है कि उनका इलेक्शन से पहले उनका बाहर आना आईन और कानून और जमहूरियत के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, आज बड़ा अच्छा फैसला सर, कोई शक नहीं। अच्छा, खान साहब के कागजात नामजदगी तो जमा हो चुके हैं, इंशाल्लाह अब उसमें उम्मीद है कि ये दो मामलात हल हुए तो उसके बाद खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, इलेक्शन का तो उनके इन केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जेल में बैठ के भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो जो तोशाखाना वाला जिसमें वो ऑर्डर सस्पेंड करने वाला ऑर्डर था उसको जो खारिज किया आमिर फारूक ने सिर्फ 1 दिन पहले, वो पिछले 5 महीने से रख रख के अपने पास, ये जाहिर करता है कि वो जानबूझ के सिर्फ इस मौके पे वो करना चाहते थे ताकि वो अपील में ना जा सके। अब उसके खिलाफ हम अपील में जा रहे हैं, मैं होपफुल हूं कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेंगे और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। आज आप सर सुप्रीम कोर्ट में जब आप मौजूद भी थे, शिकायत आपने की इलेक्शन कमीशन के रवैये पे, व्हाट्सएप मैसेज का नंबर भी दिया गया आपको, और वहां डीजी लॉ कमीशन झूठ बोल रहा था आपके मुंह पे कि हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं, जिसपे आपने कहा था कि मैं खुद 4 दरख्वास्तें का लेके गया हूँ, तो वो व्हाट्सएप नंबर देने के बाद मामला तो कुछ भी नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग उसी तरह गिरफ्तार हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, लेकिन पेशावर में ये काम नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर में अदलिया आजाद है, पेशावर में जजेस ने इस बात को इंश्योर किया है कि जो बदमाशी कोई करेगा उसको बुला लेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। देखिए, यहाँ जो है पंजाब में इलेक्शन कमीशन मिली भगत कर रहा है, यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर्स मिली भगत करके बदमाशी कर रहे हैं और लोगों को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। आज जो डीजी लॉ आया, यहाँ देखे इलेक्शन कमीशन में भी या तो ये जानबूझ के कह रहे थे या स्टेट विद इन स्टेट बनी हुई है। जब हम आज मीटिंग की है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, पहले तो कोर्ट में उसने आकर कह दिया जी हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई, 4 एप्लीकेशन के हमारे पास डायरी नंबर थे जो कल मैंने जमा कराए हैं, मैंने उनको बताया ये है, उन्होंने कहा कि हाँ एक कुछ सुबह मिली है। जब हम इलेक्शन कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई आपकी एप्लीकेशन ही नहीं आई, मैंने कहा बुलवाएं, जब रिकॉर्ड आया था हाँ जी है हमारे पास, पुट नहीं किया गया। भाई, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, पूरे मुल्क में तबाही मची हुई है, पूरा मीडिया देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, और आपकी आंखें और कान बंद है, और आपके पास हम एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करा कर गए हैं, डायरी नंबर लेकर गए हैं, कल शाम 6 बजे तक हम वहां रहे, उसके बावजूद उनको नहीं पता। या तो ये जानबूझ के कह रहे थे, या इसका मतलब है कि वहां ऐसे ताकतवर लोग हैं जहां पे एप्लीकेशन दे वो इलेक्शन कमीशन के पास ना लेकर जाएं, और अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन बात यह है कि 200 के करीब वाकयात हैं जो हमने उनको रिपोर्ट करके बताए हैं, हमने उनको बताया है कि यहाँ वीडियोज भी चल रही है, ऑडियोज भी है, और ये एरियाज है,
बहरहाल उन्होंने जबानी हमें ये कहा कि जो जो इसमें मुलव्वस है, खाब रिटर्निंग ऑफिसर है या वो पुलिस इन्वॉल्व है, हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, क्रिमिनल भी और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे और आपके तमाम ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अपने इस वादे के पूरा उतरेंगे, क्योंकि मैंने उनको कहा कि आप आईजी पंजाब को तब्दील कर दें तो शायद 80-90% मसाइल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जो भी आएगा ना वो यही कुछ करेगा। तो मैंने कहा अगर आपको पता है कि पीछे कराने वाले कोई और हैं तो फिर ये आपका काम है ना कि इन चीजों को संभाले, कौन संभालेगा। और अगर आप पुलिस रिटर्निंग अफसर के सामने वो ये जो सब कुछ कर रही है, जो लोगों के घरों में चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, ये आपको इलेक्शन एक्ट के तहत भी आप पाबंद हैं, आप आईन के तहत आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत पाबंद हैं, आर्टिकल 220 के तहत पाबंद हैं, उसके सेक्शन 456 के तहत पाबंद हैं, उसके दूसरे सेक्शंस भी मैंने उसको पढ़ाए हैं, सेक्शन 50 है, सेक्शन 54 है, सेक्शन 55 है, उसके बाद उसका सेक्शन 184 है, 185 है, 186 है, 187, 188 है, जिसमें ये सारी पावर्स दी गई हैं कि आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन मैंने कहा अगर आप नहीं लेंगे तो तारीख भी आपको माफ नहीं करेगी, अवाम भी आपको माफ नहीं करेगी। अवाम बिल्कुल सही। अच्छा सर आखिरी सवाल, 870 लोग तकरीबन आपको चाहिए शायद मोर और लेस चारों सूबाई असेंबलियों में, कौमी में, आपके पास उम्मीदवार मुकम्मल है, इनकी इंशाल्लाह फहरिस्त जल्द जारी हो जाएगी 2-3 दिनों में? जी इंशाल्लाह, हमारे पास उम्मीदवार एक से ज्यादा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं एक तो बल्ले का निशान हो और दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमारे लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म दें और इलेक्शन पार्टिसिपेट करने दें, लोगों को अफवाह बराए बयान का सिलसिला बंद करें, और ये जो कुछ हरकतें कर रहे हैं ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं, इसका नुकसान रियासत को होगा। कल इमरान खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम मौजूद था और मैं समझता हूँ कि ये रियासी इदारों के आज भी सोचने का मकाम है, जब वक्त गुजर जाएगा तो रियासत के ऊपर लगने वाले बदनुमा दाग से धुलाई नहीं हो सकेगी और जो माशी तबाही आएगी उसकी भी तलाफी नहीं हो सकेगी। आज भी वक्त है हमारे इदारों को सोचना चाहिए। जी शुएब भाई आखिरी सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जरा हट के थोड़ा सा आपका अपना जाती एनालिसिस पे चाहिए होगा। आपने भी ये जो तस्वीर दिखाई माशी तबाही की, क्या आपको नहीं लगता कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी हुकूमत लेके आए जो तबाह बर्बाद कर दे, 6 महीने बाद मेरे अजीज हम वतनों की सदाएं आए और फिर निजाम 2030 तक इनके पास ही चला जाए? देखिए निजाम तो अभी भी उनके पास है, अनडिक्लेयर्ड किस्म के जो फैसले हैं वो वहीं से हो रहे हैं। मुझे बताएं, अब मेरा 1.5 महीने से मेरा दाखला बंद है, इमरान खान का 8 महीने से दाखला बंद है, उनका नाम कोई नहीं ले सकता, किसके कहने पे, कहते ऊपर से हुक्म है, किसका हुक्म है? आज मैंने इलेक्शन कमीशन को भी बताया, मैंने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है, मैंने लिख के भी दिया ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सिर्फ सबको मौका देते हैं, ना पीटीआई को नहीं देते और उनके बंदों को नहीं आने देते। मैं मरकजी तर्जमान हूँ, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, और किसका हुक्म है? कहते हैं जी ऊपर से हुक्म है। मैंने कहा कोई आर्डर है? उन्होंने कहा कोई आर्डर नहीं है। मैंने कहा आपके ताबे हैं अब सारे इदारे, आपने इलेक्शन तक, यू आर द इंचार्ज ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, आपने जिसको आर्डर करना है वो पाबंद है। लेकिन बदकिस्मती है जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हो रहा है वो सब आपके सामने ही है। बिल्कुल, ये वाकई मेरे अजीज हम वतनों वाली कहानी तो पहले से चल रही है। बिल्कुल सही शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप बहुत मसरूफ हैं मैं समझ सकता हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत मशहूर, इंशाल्लाह आपके साथ गाय बगाय जुड़े रहेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया।